बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? यकीनन ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखें, सबको सेहत वाली लंबी उम्र अता करें, आमीन सुम आमीन। जी जना, मैं MH हॉस्पिटल जा रही थी तो मैंने सोचा कि आप लोग सबको भी वीडियो शेयर करती हूँ, आप कि मेरा कैसा एक्सपीरियंस था। अपने चेकअप के लिए जा रही थी, मैंने सोचा जाने से पहले ये भी करवा लेती हूँ, क्योंकि इसके बाद फिर मैंने जो है वो मुल्तान चले जाना। ये जनाब MH हॉस्पिटल है, देखिए आप ज़रा, काफ़ी बड़ा सा, थोड़ी थोड़ी सी वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बस मैं यही कहूँगी कि जैसे आप राइस जब बनाते हैं तो आप चेक करते हैं, तो शायद आप एक नवाला चेक करके आपको आइडिया हो जाता है कि राइस कैसे बने हैं। तो सेम इसी तरह से मेरी जो ऑब्जर्वेशन, मैंने एक ही डॉक्टर से मिली हूँ और मेरा जो था, जिस भी बंदे से वहाँ मैंने बात की, तो मुझे तो यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा लगा है। वैसे भी मोस्टली हमारी अपनी लैंग्वेज बोलने वाले लोग वहाँ पर वर्कर्स हैं, वो काम करते हैं, और यहाँ के लोग माशाल्लाह बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि वो हमारे एरिया से हैं। बेसिकली पिंडी के जो ज़्यादातर पिंडी का जो एरिया है वो पोठवारी में, पोठवार में आता है। तो यहाँ पे हॉस्पिटल में हम वेट कर रहे हैं, क्योंकि गायनी की डॉक्टर थी तो उनका थोड़ा वेट करना पड़ता है। मैंने सोचा कि घर जाने से पहले एक दफ़ा चेकअप भी करवा लूँ, लेकिन डॉक्टर ने मुझे जो है ढेर सारी मल्टी वाइटामस लिख दी हैं, जो कि हमेशा हर डॉक्टर देते हैं, लेकिन इनकी कुछ ज़्यादा अच्छी होती हैं। तो डी वॉटसन जो है यहाँ पर, वो सबसे ज़्यादा बेस्ट हैं, और यहाँ पर हस्बैंड गए हैं और थोड़ी देर में वो मेडिसन्स लेकर आएंगे। तो मैं बात करी थी हॉस्पिटल की, हॉस्पिटल बहुत अच्छा है, डॉक्टर बहुत बहुत गायनी की मैं कहती हूँ सबसे बेस्ट बेस्ट डॉक्टर है ये अबीरा चौधरी, बहुत अच्छी डॉक्टर है बहुत ज़्यादा। तो मैंने सोचा कि चलो चली जाती हूँ, विज़िट करती हूँ, और इतने अच्छे तरीके से वो बात करती है। सबसे बेस्ट ये होता है कि आपसे जो जब डॉक्टर अच्छे से बात करता है ना, तो आप आधी जो तकलीफ है आपकी, वो पहले भी मैं मेंशन कर चुकी हूँ एक दफ़ा अपने ब्लॉग में, तो आपका आधा मसला तो पहले ही हल हो जाता है, तो काफ़ी आपको तसल्ली हो जाती है। यहाँ पर जनाब हस्बैंड मेरे मेडिसिन लेकर आएंगे फार्मेसी से, यहाँ पर काफ़ी देर हो जाती है, तो मेडिसिन ही खाली मेरे जो है वो 5500 की आई थिंक सो आई हैं, तो बहुत एक्सपेंसिव हो जाते हैं कुछ यहाँ पर। ये इनकी क्वालिटी अच्छी होती है, दूसरा ये कि डॉक्टर अच्छी हैं तो उन्होंने अच्छी मेडिसिन भी दी हैं, लेकिन बेसिकली मल्टी वाइटामस, फोलिक एसिड और बी कॉम्प्लेक्स सिरप और इस टाइप की चीज़ें कुछ मुझे उन्होंने दी हैं। तो यही चीज़ें हमेशा हर डॉक्टर देते हैं, बाकी अल्लाह ताला करम करने वाले। तो देखिए ढेर सारा जो बड़ा सा शॉपर है, मैं ये गोद में रख के बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर जाने के जो प्रोसीजर, अगर कोई जाना चाहता है तो मैं बता देती हूँ कि आप सुबह सुबह के टाइम जाएँ, आप डॉक्टर अवेलेबल होती हैं, लेकिन आपको MH से नज़ीर अस्पताल में आ गई, नज़ीर हॉस्पिटल जो पिंडी में पीर बदाई उस तरफ को है ना, वहाँ पर वो आ गई। तो उनका यह है कि सुबह से 8 बजे से लेकर 3 बजे तक का टाइम है। तो MH का एक्सपीरियंस तो और तरह का था, इसलिए मैं आपके साथ उस तरह से शेयर भी नहीं कर सकती हूँ। यहाँ पर मैं मेडिसिन को देख देख के परेशान हो रही थी, तो हस्बैंड ने कहा कि बस अब बाहर मौसम अच्छा हो गया, तो आप काइंडली जो मेरा रहा ऐसे ओपन कर दे, पहले ऐसे ऑन किया हुआ था, तो मैं उस चक्कर में मेडिसिन भी आपको प्रॉपर दिखा नहीं पा रही, उनकी बात सुनने लगी थी। तो साथ साथ मैं आपको बता देती हूँ कि ये देखिए बिल भी पड़ा हुआ है, जिसको मैंने बाद में देखा था, वैसे हस्बैंड से पूछ लेती हूँ मैं फ़ौरन, वो बता भी देते हैं। तो अब जो हम आगे हम जाएंगे, हमारा प्लान था उसके बाद सिटी सेंटर में जाना है, क्योंकि हम कुछ शॉपिंग करेंगे, लेकिन हम वहाँ गए तो हैं पर हमने कुछ शॉपिंग नहीं की है वहाँ से। अच्छा, उसकी मैं वीडियो नहीं बना पाई, मुझे मैंने बनाई तो थी, लेकिन आई थिंक सो मेरे से वीडियो कहीं जो ना वो मिसप्लेस हो गई। तो यहाँ पर जनाब उसके बाद हम मैकडोनल्ड्स आए थे, और यहाँ पर अम्मी जी भी साथ थी, मैं भी थी और हस्बैंड भी थे। तो अम्मी जी का भी फर्स्ट टाइम था बर्गर ट्राई करना, इससे पहले मैंने ड्रिंक्स वगैरह इनके लिए हुए थे, आइसक्रीम शेक्स लिए हुए थे और चीज़ें थी, लेकिन बर्गर मैंने नहीं खाया। तो मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि बर्गर आप किसी और पिज़्ज़ा वगैरह सम टाइम आप जब लोकल जगह से खा लेते हैं तो वो बेस्ट होता है, मेरा यहाँ का एक्सपीरियंस, आई एम सॉरी टू से। बहुत से लोग जो है ना वो उसको पसंद करते हैं, लेकिन मैं नहीं करती हूँ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, बिल्कुल भी इंजॉय नहीं किया हमने। लेकिन वहाँ बैठ के हमने गप्पे मारी और खाया पिया, ताकि थोड़ा सा आसरा हो जाए, क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही थी, हॉस्पिटल में बहुत टाइम लग गया था। असल में होता है कि आपका पूरा दिन लग जाता है वहाँ पर, जो MH हॉस्पिटल है वहाँ पर आपको सुबह सुबह जाना पड़ता है, उसके बाद आप इंतज़ार करते हैं, डॉक्टर को नेम राइट करवा देते हैं, सॉरी उनको, उनके जो क्लर्क होते हैं, सॉरी अपॉइंटमेंट वाले जो बैठे होते हैं वहाँ पर, उनको आप करवा देते हैं, उसके बाद जो डॉक्टर का PA होता है उसके पास आप फीस सबमिट करवाने के बाद वहाँ पहुँचते हैं, देन वो आपको फाइनलाइज़ करते हैं कि आपका वो आज आपका चेकअप होगा कि नहीं होगा, या आपका नंबर ये है तो नंबर उस पर मैंशन होता है, फिर आपको नंबर के पे बंदा बुलाया जाता है। तो काफ़ी लंबा प्रोसीजर हो जाता है, पूरा दिन आपका लग जाता है। यहाँ पर जी हम मैकडोनल्ड्स में बैठे हुए हैं, और ये जी सिर्फ एक इंटरटेनमेंट थी, और मैं सोचती थी ये लोग इतने पागल क्यों है ना KFC के, और इसके हालाँकि इसके अंदर कुछ भी नहीं है, इनका जो बर्गर पिज़्ज़ा है, सॉरी बर्गर है, और जो दूसरा जहाँ किसी भी इस तरह अच्छे ब्रांड पर चले जाएँ आप, अच्छी
जगह से कुछ खाने पीने के लिए चले जाएँ तो वहाँ पर मुझे हमेशा फीका ही सब कुछ नज़र मिलने लगता है, मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। जो इनके फ्रेंच फ्राइज़ थे वो तो बिल्कुल उनमें तो नमक डाला ही नहीं हुआ था, उनको उसी तरह से प्लेन फ्राई किया हुआ था और वो इतने फीके रूखे थे कि हम लोग और हमारा मतलब हम कहते हैं इतना सारा चलें भूख लगी हुई है, बर्गर तो छोटा लेकिन इससे पेट भर जाएगा। अभी थोड़ी देर में आपको बर्गर की भी लुक दिखाती हूँ, वो फ्रेंच फ्राइज़ की भी। बस मैं यही काम कर रही थी कि आप लोगों को रिव्यू देना है, इसके बारे में बताना है कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा था, तो ये आपके साथ शेयर करना है। इसलिए देखिए ज़रा ये है जी फ्रेंच फ्राइज़ और वो बर्गर था, चिकन स्पाइसी चिकन चीज़ बर्गर था, लेकिन मज़ा नहीं आया, कोक थी साथ में, कोक अच्छी थी। तो उसके बाद जी हम यहाँ से फिर घर आ गए। ये देखिए जी ये मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हम लोग ना काफ़ी दफ़ा इस तरह से होता है कि किसी जगह पे जाते हैं खाना खाने के लिए। मेरे हस्बैंड के साथ मैं गई हूँ लाल हवेली मुल्तान, लेकिन मुझे अब लगता है स्टार्ट में उनका खाना बहुत अच्छा था, लेकिन उसके बाद उनका खाना बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं लगा। एक दफ़ा उसके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में है मामे का होटल, उसका मैंने रिव्यू उसके बारे में मैंने आपको बताया था, तो उस पर मेरा इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा, इतना मैंने वहाँ पर बहुत इंजॉय किया क्योंकि उनका खाना बहुत आला था। वो अलग बात है कि बैठने की जगह आपके पास अच्छी नहीं होती, लेकिन बाजू का जो ढाबे होते हैं इनसे आपको अच्छा खाना मिल जाता है। वापसी का सफ़र है जनाब, वापसी पे शाम हो गई थी, रात हो गई थी, 7:30 हो गए थे जब हम घर वापस आए, तो घर वाले फिर हमें कॉल कर रहे थे कि आप लोग आएँ तो सब मिल के खाना खाते हैं, क्योंकि आगे भी स्पेशल जो है ना वो एहतमाम हुआ हो तो फिर दिल कर जाते हैं कि सारे इकट्ठे हों तो फिर हम खाएंगे। और मेरा भतीजा वो हमें बहुत मिस कर रहा था क्योंकि सारा दिन हम उसके बगैर थे, और वो घर से जब बंदे जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा फील करता है, वो बिल्कुल चुप चुप हो जाता है या फिर उसका दिल होता है कि मुझे साथ लेके जाएँ, दिल तो चाह रहा था हमारा और वो बिल्कुल तंग नहीं करता। ये देखिए टैक्सी अड्डे पर कितना ज़्यादा रश है। अच्छा दिल तो बहुत चाह रहा था कि उसे ले जाए, लेकिन हॉस्पिटल ऐसी जगह जहाँ पर आप बच्चों को नहीं ले जा सकते और नहीं ले जाना भी चाहिए। अब ये हम लोग जी आ गए हैं टैक्सी अड्डे पे, और यहाँ पर इस कदर ट्रैफिक थी यहाँ, ये देखिए ज़रा कोई गाड़ी कहाँ से आ रही है कोई कहाँ, तो मैंने कहा मैं थोड़ी सी वीडियो बनाती हूँ और आपको बताती हूँ कि कोई बंदा किसी दूसरे का वेट नहीं करता। ख़ास तौर पे जो मेरे हस्बैंड कहते होते कि रिक्शे वाले और बाइक्स वाले बिल्कुल अपने आप को सिक्योर नहीं करते, साइड पर नहीं चलाते हैं, मिड में जाते हैं बिल्कुल, लेकिन उनको ऐसी उनकी गाड़ी छोटी होती है, बाइक छोटी होती है, रिक्शा छोटा होता है, तो उनको ज़रा जगह भी जल्दी मिल जाती है या वो जगह बना लेते हैं बीच बीच में जा कर गाड़ियों के, तो इसलिए उनके लिए आसानी हो जाती है, लेकिन दूसरी गाड़ियाँ डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो काइंडली एक दूसरे का ख्याल करना चाहिए, हर किसी को करना चाहिए, नहीं कि सिर्फ रिक्शे वाले को, रिक्शे बेचारे रिक्शे वाले तो कहते हैं कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा चक्कर लग जाए, तो उनकी भी मजबूरी है। देखिए ज़बरदस्त आला किस्म का दलीम है जो कि घर वालों ने भाभी ने सिस्टर ने बनाया था, बहुत मज़ेदार किस्म का। तो उसके बाद मैंने सिर्फ दलीम खाया था क्योंकि बर्गर मैं वहाँ से खा आई थी। तो आई होप कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगे, अगर अच्छा लगे तो उसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।